गाइस ये है बिग ड्रीम कैफे। वैलेंटाइन डे वैसे ही आ रहा है गाइस, तो देखने इस वीडियो का मैं लोकेशन डाल दूंगा कहाँ पे। आराम से बर्थडे एंजॉय कीजिए यार, चिल आउट मारिए। गर्ल्स के लिए ना ये मतलब बहुत ही बढ़िया जगह है, देखिएगा गर्ल्स के लिए एकदम। पहले मैंने ड्रिंक है। सो गाइस हम बिग ड्रीम कैफे में आए हुए हैं, सो आपको दिखाता हूँ बिग ड्रीम कैफे कैसे। आइए गाइस, ये है बिग ड्रीम कैफे। आप देख सकते हो कितना स्पेस है, कितना खुला है और कितना खुला एरिया है। वहाँ जाइए, आगे आइए आप। सो गाइस फर्स्ट आपको ये सीटिंग मिलती है आपको बिग ड्रीम कैफे। यहाँ पे आप इन्होंने एकदम बहुत ही बड़ा हॉल बना हुआ है जो पेड़ों से काफ़ी अच्छा दिखने में अच्छा लग रहा है मुझे। सो गाइस दूसरी जगह दिखाते हैं आप लोगों को, काफ़ी अच्छा है। लाइटिंग कितना बढ़िया लाइटिंग कर रखा है। तो गाइस ये यहाँ पे हम एनिवर्सरी मना सकते हैं अपने कपल्स को, लाके कपल लोग आ सकते हैं। और ये देखिए आप लोग यहाँ बैठ सकते हैं, आराम से बैठ के आप यहाँ पे एंजॉय कीजिए कपल के साथ, एनिवर्सरी मनाइए। जब भी आप लोगों का मतलब वैलेंटाइन डे वैसे ही आ रहा है गाइस, तो देखने इस वीडियो का मैं लोकेशन डाल दूंगा कहाँ पे। और यहाँ पे काफी बहुत सारी लाइटिंग वगैरह से काफी डेकोरेशन कर रखा है। एक और हार्ट बना हुआ जैसे यहाँ पे किसी ने सेलिब्रेशन किया होगा, तो मेरी गर्लफ्रेंड तो अभी आएगी या नहीं आएगी पता नहीं, बट बहुत अच्छा लगा मुझे। तो गाइस थोड़ा आगे आओ, लाइटिंग वगैरह मतलब बहुत ही बढ़िया है। आप इस साइड दिखाइए, ये देखिए आप आ जाओ। एक और चीज़ दिखाता हूँ, बहुत खास है, बहुत बढ़िया है। लोग काफी रील्स बनाया मैंने, रील्स देखा, और हमारी जो प्रीति मैडम है उन्होंने मुझे रील सेंड किया कि यहाँ पे लोकेशन है और ये बहुत बढ़िया क्या है बोल के। सो मैं उनको भी कहूँगा थैंक यू ये जगह दिखाने के लिए। यहाँ पे आप ऑफिस की पार्टी वगैरह सब कुछ कर सकते हैं, देख सकते हैं सीटिंग वगैरह काफ़ी बढ़िया सीटिंग है। तो गर्ल्स के लिए ना ये मतलब बहुत ही बढ़िया जगह है, देख सकते हैं गर्ल्स के लिए एकदम ऊपर के लिए जगह है। और यहाँ पे आप ये ऑर्डर वगैरह कर सकते हैं, यहाँ पे दो टेरेस है, मतलब व्यूज बहुत बढ़िया दिखेगा आप लोगों को। थैंक यू गाइस, आगे और दिखाते हैं आपको क्या खाने का क्या मेन्यूज वगैरह है, मैं आपको दिखा देता हूँ, शेयर कर देता हूँ। आई थिंक यहाँ काफ़ी अच्छी डेकोरेशन है, यहाँ पे ट्री में लाइटें वगैरह काफ़ी अच्छी कर रखी है, ये सीटिंग वगैरह काफ़ी अच्छा है गाइस। आप डीजे वगैरह सॉन्ग वगैरह सुन सकते हो, आपको कोई सी पसंद गाना हो यहाँ पे डीजे वगैरह लगा रखा है, देख सकते हैं है ना। ये डीजे सॉन्ग्स वगैरह है यहाँ पे बिग ड्रीम कैफे रेस्टोरेंट। एंड दिस साइड ऑफ वॉशरूम, आप ये वॉशरूम यूज कर सकते हो, एंड जेंट्स एंड लेडीज दोनों वॉशरूम वगैरह मिलेगा आपको। एंड बिग ड्रीम कैफे दिस जिसके अंदर आप होम सीट वगैरह ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा तितली वगैरह लग रखा है। और लाइटिंग वगैरह देख सकते हैं आप, ऊपर बताया था मैंने आप लोगों को, ऊपर भी है और उस साइड किचन कैफे वगैरह है। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे, तो बहुत हैप्पी हूँ मैं यहाँ पे आके। वाओ कितना मतलब देख सकते हो ना आप, सेम कपल एकदम मस्त है, आप कपल लोग आ सकते हैं कभी भी आना। और गाइस मैंने बुक कर रखी है, मैं फ्रेंड के साथ आया हूँ, तो यहाँ बैम्बू स्टिक वगैरह काफ़ी बढ़िया लग रखा है ना, तो मैं अपने फ्रेंड के साथ आया था। आप देख सकते हैं मैंने ये सीट ले रखी है, मैंने बहुत प्यारी सी सीट ले रखी है बिग ड्रीम कैफे, मैं सीट में बैठने वाला हूँ। सो गाइस यहाँ मेन्यू वगैरह देख सकते हैं, बिग ड्रीम कैफे रेस्टोरेंट, देन आप खाना कुछ भी खा सकते हैं, थोड़ा सा हाईली हो सकता है ऐसा, बट ठीक है। सो गाइस कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं आप मेन्यू में, और मैंने ऑर्डर किया है दिस टाइम
ये किया है मैंने बेजेटनो वर्जिन मोजिटो एंड एक मेरे फ्रेंड ने हॉट कॉफ़ी ऑर्डर किया कर रखा है, उसको हॉट कॉफी ज़्यादा पसंद है। देन हमने फिर दूसरा ऑर्डर कर रखा है हमने ये वाला हमने पनीर। सो गाइस दिस इज मोजिटो एंड पास्ता। सो गाइस खा तो लिया, बिल कितने का है देखते हैं। ओ भाई साहब, भाई बहुत हाईली है यहाँ पे। ये बिग ड्रीम कैफे, मैं ऊपर हूँ, ये सबसे ऊपर है, आप देख सकते हो ऊपर कैसा है, ऊपर का नज़ारा एकदम। यहाँ पे कपल वगैरह एकदम शांत एरिया है, आप लोग कपल वगैरह ला सकते हैं। ये मैं सबसे ऊपर फ्लोर पे आया हूँ, तो मैं नीचे जाके बैठूँगा क्योंकि मुझे ऊपर अकेला बैठने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है। बिग हार्ट, वाओ गाइस देख सकते हैं, ये गर्ल्स के लिए काफ़ी अच्छा है। सो गाइस फाइनली मैं आज बिग ड्रीम कैफे में आया था और काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके। और गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आप लोग लाइक कमेंट शेयर कर ही नहीं रहे हो, सब्सक्राइब कर ही नहीं रहे हो भाई, तो फिर कैसे बनेगा ना। तो वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करना, और इसका लोकेशन मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोकेशन देख लेना। सेक्टर 58 में मेरा जो वीडियो बना मुझे छेड़ रहा है, तो इसलिए मुझे हंसी आ रही है। सो गाइस थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, बाय।